गाजरेना सिताए तागले किटे मोरिया उठाए रविया। गाजरेना सिताए तागले किटे मोरिया उठाए रविया। हेलो जी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। आज वैसे कोई वीकेंड नहीं है, आज वर्किंग डे है। एक्चुअली मैं जा रहा था अपना ना नीचे मेल बॉक्स चेक करने, जहाँ पे लेटर्स आती ना, तो मैंने तो अभी बस नीचे उतर था जब से, तो एक्चुअली मेरे को ना नोटिफिकेशन आई थी, मेरे को ईमेल आई थी कि भैया आपकी ना मेल आई है, तो नीचे जाके चेक कर लो। बस मैं ना वही चेक करने के लिए जा रहा हूँ। मैं ना आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना स्नो कैसे क्लीन करते हैं, और खैर मैं डिफरेंस भी बताऊँगा कि ओंटारियो में क्या डिफरेंस था और इधर क्या डिफरेंस है। जी मैं आ गया हूँ नीचे। चलो मेल बॉक्स, ये मेल बॉक्स होता है हमारे ना, जहाँ पे सारी लेटर्स आती हैं हमारी, मतलब बिल्डिंग के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बाहर निकल के देखते हैं कोई है तो। इधर इधर वाली साइड को स्नो हटा है। इधर वाली साइड से स्नो थोड़ी थोड़ी हटा के चले गए हुए हैं, ये रात को पड़ी है स्नो। उधर वाली साइड देखते हैं। ये अब पापा पहले टैप करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग में एंटर करने के लिए टैप करना पड़ता है, तब खुलता जाके दरवाज़ा। तो ये सारा सिक्योरिटी सिस्टम है, पर अंदर नीचे सिक्योरिटी कोई नहीं बैठा। नीचे यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं बैठा होता। तो एक बंदा लगा हुआ है, ये देखो नमक डालने के लिए लगा हुआ है। अभी इधर था, नमक डाल रहा था। मैं देखो स्नो पड़ी है, ये सारी इन्होंने क्लियर कर दी। देखो इधर ना निकलने के लिए ना लोगों के, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है, ये एक्चुअली ना ये मेन एंट्रेंस है इधर की, ये ना, तो तभी इन्होंने क्लियर कर दी है। यहाँ पे ना एक्चुअली बात पता क्या है, इन्होंने स्नो तो क्लियर करी है, पर ये पूरी पूरी अच्छे से क्लियर नहीं करी है। देखो अभी भी ना, खैर ये तो वाइट वाइट दिख रहा है। अब सड़कों पर देखो, ये है वैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग है, पर ये देख लो, सिर्फ इन्होंने ये जो निकलने वाला ना रास्ता चलने वाला, ये क्लियर कर दिया थोड़ा सा, पर मैं देख रहा था सड़कें इनसे क्लियर हुई नहीं है। सुबह ये लगे हुए थे पर इनसे नहीं क्लियर हुई सड़कें। क्या क्लियर किया? कुछ भी नहीं किया। क्या साफ़ किया? यहाँ पे ना मैंने एक बार देखी है कैलगरी में ना, मतलब ना यहाँ पे ना अच्छे से मतलब क्लियर नहीं करते स्नो, इवन के सिटीज में। या देखो ये बिल्डिंग वाले एरिया भी है ना, एक मिनट हम ना मैं ऊपर जाके सारी आपसे बात करता हूँ। मैं ना इवन के मेल बॉक्स भी चेक कर लेता हूँ। देखो इसको बंद करो। देखो देख रहे हो, बाहर वैसे ही हाल है, कोई कोई साफ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था ना कि बस वही चीज़ है कि यहाँ पे हालात पे छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई अपने आप क्लियर हो जाएगा, प्लस में वेदर होएगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं जी। ये तो कुछ करते ही नहीं है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, मेरे को प्रॉब्लम हुई थी जब मैं इधर मैंने देखा ना, मैं यार ये क्या करते हैं। बस वही जो मैंने आपको कहा था, वो देखो नीचे रास्ता क्लियर है, बस चलने वाला, बस दैट्स इट, कि लोग चलें बस, बाकी कुछ नहीं। चलो खैर अभी फ़िलहाल हमारा घर का काम पड़ा है, देखते हैं। अभी मैंने ना चने भिगो दिए थे वाइट वाले, तो अभी इसको उबाल लेते हैं, हिमानी आके अपने आप बना लेगी। चलो इतना सा तो कर ही सकते हैं उसके लिए। तो इसको खोलते हैं, इसमें थोड़ा डालते हैं नमक, थोड़ा सा डालेंगे, ऐसे करते हैं। मैं खा तो अगर काम सही हो गया तो ठीक है, अगर नहीं तो हिमानी डांटेगी फिर आके कि मैंने तो आपको कहा नहीं था, आपने कैसे कर दिया। ठीक है आप वेट करते हैं, सिम पे कर देते हैं, इतना ही कर देते हैं, इतना बहुत है। चलो अब धीरे धीरे अपने आप होता रहेगा, लगेगा आधा घंटा। हाँ जी दोजी, मैंने आपसे बात करनी थी कि जो हमने गिव अवे का अनाउंस किया था, तो वो गिव अवे अभी ऑन ही है। सब्सक्राइब चैनल पे करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और लाइक और कमेंट जरूर करो,
ताकि हमें पता चले कि कौन कमेंट कर रहा है, और ताकि हम रैंडमली उसमें से चुनेंगे। वो चैनल मोनेटाइज जब हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हम गिव अवे करेंगे। ये हमने आज मैं आपको बता देता हूँ कि ये टारगेट जो है वो अब चल रहा है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जनवरी के एंड में ये गिव अवे ख़त्म हो जाएगा कि जनवरी के एंड तक ये गिव अवे चलेगा कि जनवरी के अगर एंड तक 1000 सब्सक्राइबर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मैंने एक ये बता दिया कि ठीक है भाई, जनवरी के एंड तक हमारा जो है वो अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो हम गिव अवे ज़रूर करेंगे, और अच्छा गिव अवे करेंगे, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि हम अच्छा गिव अवे करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो जब देखेंगे 10,000 पे, फिर वो उसका टारगेट जो है वो जब डिसाइड करेंगे। फिलहाल जो 1000 सब्सक्राइबर का जो चैनल मोनेटाइज का टारगेट है हमारा, ये है जनवरी एंड तक। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर पड़ा है और जनवरी पड़ा है, ढाई महीने कह लो पड़े हैं, ठीक है। ढाई महीने तक का मैंने टारगेट रखा है कि भाई हमने चैनल मोनेटाइज करना ही करना है किसी भी हाल में, ठीक है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हर वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है, ताकि हम रैंडमली कोई ना कोई चुने और उन तक जो है वो हम गिफ्ट जो भी है वो हम पहुंचा सके। और ये नहीं है कि इंडिया ही अकेला, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी वो बैठे होंगे ना, उन तक गिफ्ट ज़रूर पहुँचाएंगे और अच्छा गिव अवे करेंगे, जो कि मैंने पहले भी कहा है। और कमेंट करते रहो और लाइक भी करते रहो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करते रहो, सब्सक्राइब करके कमेंट भी ज़रूर करो, ताकि हम कोई चुन सकें और उनको जो है वो गिफ्ट पहुंचा सकें। फिर हम उनको जो है वो ईमेल के थ्रू या जैसे भी करके कॉन्टैक्ट करेंगे, उनका एड्रेस या जो भी है, उस टाइम हम सब सिस्टम कुछ ना आपसे जो है वो शेयर करते रहेंगे सारा। फिलहाल जो है गिव अवे की है, 2-2.5 महीने पड़े हैं, जनवरी एंड तक का है टाइम गिव अवे का, तो जनवरी एंड तक पूरा जोर लगा के मोनेटाइज हमने करना ही करना है, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करते रहो। बस आप क्या कर रहे हो? ऐसा ऐसे गंद नहीं डालना, देखो खेल रही हूं। क्या क्या खेल रही है? मेरी टॉयज के साथ। ऐसे नहीं करना, गंद मत डालना, ठीक है। फिर मैं स्क्रीन कर दूंगी यहाँ पे। हाँ ठीक है, हाँ गंद मत डालना। कह रहे कि वो जो मैंने केक वाली नहीं वीडियो डाली थी, हाँ, हमने केक बनाया था जो लास्ट अभी डाली थी, तो वो वाली उस पे कमेंट आया, कह रहे कि भाई आप बड़े किस्मत वाले हो, ऐसे ऐसे करके भाई आपको बड़ी पोलाइट है, ये है वो है। तेरे को पढ़ाऊंगा अभी मैं, मेरे को इतना याद नहीं है। बड़ी अच्छी, बड़ा बोर्ड पर अच्छा लिखा हुआ है। आज पता मैं सुबह से व्लॉग चला के बैठा हूँ। और क्या, मैं पता क्या, मैंने वो भी बात करी थी जो गिव अवे हमें शुरू किया हुआ ना, और वो मैंने सिर्फ जो है वो ये नवंबर चल रहा है, जनवरी के एंड तक अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो फिर हम गिव अवे करेंगे। जनवरी के एंड तक मैंने कहा कि 2.5 महीने पड़े हैं, 2.5 मंथ पड़े हैं, इसमें चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। बस हो जाए तो अच्छी बात, होना ही चाहिए यार। देखो यार, अपनी फैमिली और बढ़ेगी, और कहो कि भाई क्या भाई कहे कि भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, बिल्कुल सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और देखा आज आज ऐसा आप क्या बना रहे हो? आज आज ये इधर इधर आयजा बना रही है दाल, हिमानी बना रही है वाइट चने, आज वो कड़ी पड़ी हुई है, 3-4 सब्जियां हमारी होगी, हमारा डिनर अच्छा हो जाएगा। ये दाल तो पता नहीं कब खाने को मिलेगी। ये कौन सी दाल? कागज वाली दाल बना रही है। मैं भी काजक दाल कह रही है, काजक वाली दाल बना रही है, काजक। एक ये वाली देखो, मेरा खाना आ भी गया बन के। ये चीज है, ये वो देखो, सजा ट्रे में लाई है आपके लिए, देखो। अच्छा ट्रे भी लाई है, ओ बन दी, खा लो स्पून। एक मिनट मैं मोबाइल से ये, अच्छा हेलो है क्या ये भी तो बताओ। चलो मैं एक मिनट, हम देखते हैं पहले इसमें क्या क्या है, आप क्या क्या लाए हो, ये क्या है? ये है खाना। नहीं नहीं, ये खाना इसमें क्या है, ये इसमें ये क्या है? ये लो, ये लो, थैंक यू। लड़कियां देखो कितनी प्यार से खिलाती हैं, थैंक यू। बस चल ठीक है, थैंक यू काका, इतने प्यार से आप मेरे लिए खाना बना के लेके आए हो, थैंक यू। वेलकम।
अच्छा आयजा, अच्छा आयजा आप सॉन्ग सुना दो फिर सभी को। बाजरे दा बाजरे ना सिताए तागले किटे मोरिया उठाए ना भैया, गाजरे ना सिताए तागले किटे मोरिया उठाए ना भैया, गाजरे ना सिताए तागले किटे मोरिया उठाए ना भैया। चलो ठीक है, जा। थैंक यू, वेलकम। देखा कितना अच्छा गाती है हमने। देखो ये इधर की बॉन है, कोई कोई अरे मेरी बात सुन, इधर आ तो लगी। अच्छा ये आयजा इधर की बॉन है, कोई कह सकता है ये इधर की बॉन है? पंजाबी गाने गाती है, हिंदी इतनी क्लियर बोलती है, कोई इससे बात करता ना किसी को बिलीव ही नहीं होता कि ये यार इधर की बॉन है। वो कहते इधर की बॉन है, इतनी क्लियर हिंदी बोलती है और ऐसे पंजाबी गाने गाती है। ठीक है यार, चलो हम कोशिश करते हैं अपना कल्चर सिखाने की। बाकी बच्चे जो बच्चों का भी मन होता है, बाकी पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि भाई अपना कल्चर। मेरे को तो इंडियन कल्चर अच्छा लगता है कि ठीक है भाई अगर हम चाहे कनाडा में हैं पर हमें अपना कल्चर, हमारे बच्चों को अपना हमारा कल्चर पता होना चाहिए कि हाँ भी ऐसे है ये ऐसे है। ठीक है ना, कई तो इधर आते हैं, मेरी बात सुन, कई लोग इधर आते हैं, मैं बोलता हूँ उनको पता नहीं क्या भू सवार हो जाता है, इंग्लिश सिखाओ जी, इंग्लिश सिखाओ जी, इंग्लिश सिखाओ। इंग्लिश तो उन्होंने सीख ही जानी है, अंग्रेज़ों के बीच में रहेंगे, अंग्रेज़ों के स्कूल में जाएंगे, ठीक है ना, उन्होंने तो इंग्लिश सीख ही जानी है। ठीक है, उन्होंने उनकी लैंग्वेज तो सीख ही जानी है, अपनी लैंग्वेज सिखाओ। नहीं यार बच्चे को ठीक है, हमने जो किया हुआ ना हमने बिल्कुल। अब एल्विन देख ले, एल्विन इंडिया का बॉर्न है, ठीक है, 6 साल में इधर आया था, ठीक है, अब वो इंग्लिश ही बोलता है हमारे साथ भी। हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलता है ना, पर हिंदी बोलता है, कम बोलता है, पर ये बात है ना कि उसको समझ तो आती है ना हिंदी पंजाबी, ठीक है ना। अब कोई अब इंडिया जाएगा वो अपने अपने बंदों के साथ कम्युनिकेट करना है, कुछ बात करनी है, कुछ करनी कर तो लेगा ना, कर लेगा, समझ लेगा, है ना। हमने तो अपने बच्चे हर एक लैंग्वेज आनी चाहिए भाई, सीधी बात भाई। शक्ल मैं नींद में हूँ तो मैं खाना खिला दे फिर सो जाए। नहीं नहीं मैं सारे काम करके सोऊंगी। तेरे को नशा लग रहा है, नशा नशे में करूंगी सारे काम। नशा कहते मुझको ना पिलाओ मैं नशे में हूँ, नींद का नशे में हूँ। चलो जी आप डिनर करें। अलविन तूने अच्छा ये मेरे से बाद में खाएगा ना यार, ये साथ जेठालाल देखना जरूरी है। जेठालाल के बिना हम डिनर करते नहीं है ना? तो जी ये देखो क्या चल रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो एक मिनट, ये देखो क्या चल रहा है, करण एंड हिमानी व्लॉग्स, ये देखो किसको टाइट कर दिया आपको, ये हिमानी की देख लो हालत देखो, बेचारी थकी पड़ी है यार। मैं व्लॉग देखूंगी, मेरी कल छुट्टी है। इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं एंड, थैंक यू सो मच व्लॉग को देखने के लिए, फाइनली करते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल जी, बाय बाय।